नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है क्लास टेंथ सामाजिक विज्ञान और क्लास ट्वेल्थ के लिए इतिहास का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ऑप्शन नंबर डी सही है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर डी सही है। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1920 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही है। काला कानून किसे कहा गया है? काला कानून कहा गया है रौलेट एक्ट को, ऑप्शन ए सही है। 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, ऑप्शन नंबर डी सही है। महात्मा गांधी ने इसी के दौरान नारा दिया था करो या मरो। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में, ऑप्शन नंबर ए सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 AD ईस्वी में। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल था चक्रवर्ती गोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की क्रमशः संख्या है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्ररूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी सही है। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान प्ररूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की अनुसूची है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? इस समय भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी सही है। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ 2005 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ था 1956 में, ऑप्शन नंबर सी सही है।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल था चक्रवर्ती गोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की क्रमशः संख्या है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्ररूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी सही है। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।